नमस्कार, आज हम आपको गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले योगासनों के बारे में बताएंगे। ये योगासन गर्भावस्था में बेहद फायदेमंद हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स को मेंटली रिलैक्स करते हैं और उनको मानसिक और शारीरिक स्तर पर आने वाले लेबर के लिए, प्रसव के लिए तैयार करते हैं। एक बात आप ध्यान रखें, यदि आपके डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है, आसन या कोई भी एक्सरसाइज के लिए मना किया है, तो आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दूसरा, किसी आसन को करते वक्त अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं तो भी उसका अभ्यास नहीं करना है। अगला अभ्यास है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के सभी जॉइंट्स को मूवमेंट देता है, गतिशीलता प्रदान करता है। इसे एक तरह का वार्म अप भी हम मान सकते हैं। योग की भाषा में कहें, हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह चल रहा होता है, कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस के कारण वो प्रवाह प्रॉपर नहीं हो पाता, तो सूक्ष्म व्यायाम उन एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का कार्य करता है। आइए, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किस प्रकार करना है इसकी विधि देखते हैं। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आ जाएं, अपने दोनों पैरों को सामने खोल दें, आपके दोनों हाथ की हथेलियाँ जमीन की ओर। अगर आपकी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग की पोजीशन है तो इसमें आप इस तरीके से सीधे बैठ सकते हैं, लेकिन अंतिम ट्राइमेस्टर के दौरान अगर आपको कंफर्टेबल लगे, अपने हाथों को थोड़ा पीछे की ओर रखकर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम पैरों की उंगलियों से, पादा उंगली नमन। सांस भरते हुए फिंगर्स अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब पूरे पैर के पंजे को मूवमेंट दें, 1, 2, 1, 2। ये अभ्यास है गुल्फ नमन, 2, 1, 2, 1, 2। अगला अभ्यास यहीं से गुल्फ चक्र, पंजा अपनी तरफ आए तो सांस भरना है, पंजा बाहर की तरफ जाए तो सांस छोड़ना है। चारों दिशाओं में पैरों को घुमाएं, यहीं से विपरीत, जितने राउंड आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं उतने ही राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज़रूर करें। रिलैक्स। इसके बाद अगला अभ्यास है बटरफ्लाई तितली आसन। अपने दोनों पैरों को तलवे से मिलाएं। गर्भावस्था की आरंभ की स्थिति में हो सकता है ये पास अगर हैं तो आप कंफर्टेबल हो, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कंफर्टेबल लगे तो इसको आप थोड़ा दूर रख सकते हैं। अपने हाथों से एंकल, काफ मसल या पैर, आपको जो कंफर्टेबल है आप उसको पकड़ें। कमर सीधी रखें। जिन लोगों को साइटिका की समस्या यदि है वो इसका अभ्यास ना करें। इस अभ्यास से आंतरिक जंघाओं को बल मिलता है, यह भी आने वाली प्रसूति के लिए, लेबर के लिए शरीर को तैयार कर रहा होता है। इसी आसन में हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स करें, धीरे से सुखासन में आ जाएं। अगला अभ्यास है मुष्टिका बंधन। अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आएं, सांस भरते हुए अपने हाथों की उंगलियों को पूरा फैलाएं, सांस छोड़ते हुए अंगूठा अंदर रखते हुए मुष्टिका। इनहेल, एक्सहेल, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। रोटेशन, मुष्टिका चक्र, 1, 2, 3, 4। विपरीत दिशा में, 1, 2, 3, 4। हथेलियां आसमान की ओर। अगला अभ्यास है केहुनी नमन।
हाथों को पास लाएं, कंधों को छुएं और सांस भरते हुए हाथों को सामने फैलाएं। सांस को छोड़ते हुए अपने कंधों को छुएं, सांस भरते हुए सामने। 1, 2। ये ध्यान रहे इस अभ्यास के दौरान आपके हाथ बिल्कुल सीधे हों, ऐसे नीचे की तरफ मूवमेंट ना हो। हाथ कंधों पर रखकर रुकें। अगला अभ्यास स्कंध चक्र, शोल्डर रोटेशन। एल्बोज ऊपर जाएंगी, आपकी कोहनी ऊपर जाएंगी तो सांस भरना है, कोहनियाँ आगे की तरफ आएंगी तो सांस छोड़ना है। सूक्ष्म व्यायाम के हर अभ्यास को आप ब्रीथ के साथ कनेक्ट करके करेंगे। धीमी गति से करेंगे। आपको 7 से 8 जितने राउंड कंफर्टेबल लगते हैं उतने राउंड्स को रिपीट करके उसको विपरीत दिशा से दोहराएंगे। एल्बोज अप, देन इनहेल। एल्बोज डाउन, एक्सहेल। कोहनियाँ ऊपर आते हुए सांस भरें, कोहनियाँ नीचे आते हुए सांस को छोड़ें। स्कंद चक्र के अभ्यास को समाप्त करें और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हैं। यहीं से अगला अभ्यास है ग्रीवा संचालन, नेक मूवमेंट। सांस भरते हुए आसमान की ओर देखें। आंखें बंद करके भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब डाउन, अप एंड सेंटर। चेंज करेंगे यहाँ से, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए फिर से सेंटर, एक्सहेल एंड राइट। 1, 2। 1, 2, 1, 2, एंड चेंज। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए सेंटर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सेंटर। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन एंड रिलैक्स। यहीं पर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास समाप्त होता है।